हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मेरे प्रोजेक्टर स्क्रीन का रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ। यह है एक्स इलेक्ट्रॉन ब्रांड का 120 इंच ग्रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला प्रोजेक्टर स्क्रीन। तो मैं पहले आपको मेरा सेटअप दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ और यहाँ एक रस्सी बांध के स्क्रीन को क्लिप्स के हेल्प से सिक्योर किया है। आप ये क्लिप्स देख सकते हो, मैंने काफ़ी सारे क्लिप्स लगाए हैं और फ़िलहाल मेरा ऊपर का फ़ैन चालू है, इसलिए स्क्रीन थोड़ी हिल रही है। और लाइटिंग दिखा देती हूँ मेरे रूम में। पीछे एक येलो कलर का बल्ब है, फिर ऊपर मेरा शैंडिलियर है, फिर यहाँ पे एक लाइट है और ये मेरा 55 इंच का टीवी है। तो ये मैंने मेजर किया तो फ़िलहाल तो ये 72 इंच का स्क्रीन प्रोजेक्ट कर रहा है, क्योंकि मेरा डिस्टेंस प्रोजेक्टर से थोड़ा कम है। फिर यहाँ पे और एक लाइट है, फिर आप यहाँ देख सकते हो यहाँ भी और एक लाइट है। और ये है मेरा प्रोजेक्टर। ये डिस्टेंस 1 2 3 4 ये डिस्टेंस हार्डली 8 to 9 feet का है, तो इसलिए 72 इंच का स्क्रीन प्रोजेक्ट हो रहा है। जब मुझे देखना होता है तब मैं ये पीछे वाले वॉल पे प्रोजेक्ट करती हूँ। और पीछे से आप देखो ये स्क्रीन ऐसी दिखती है, थोड़ी लाइट दिखती है पीछे से। तो जो मैं आपको वो रेयर प्रोजेक्शन का ऑन AK6 और वैंको V60 का फंक्शन दिखाने वाली थी, वो भी आज मैं आगे इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। अभी फ़िलहाल मैं फ़ैन स्विच ऑफ करती हूँ। फिर इस बाजू भी थोड़ा लाइट आ रहा है, मैंने ये वाला लाइट बंद कर दिया। अभी मैं आपको सारे लाइट स्विच ऑफ करके इसकी क्लैरिटी दिखाती हूँ। और एक बात, ये जो ऊपर वाला बल्ब है, ये मेरा स्मार्ट विप्रो का बल्ब है। ये मैंने मेरे इको डॉट से कनेक्ट किया है। आपको पहले प्रोजेक्टर का सेटिंग दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पे प्रोजेक्टर रखा है, उसके ऊपर मेरा जियो का वाईफाई है, फिर ये मेरा ट्राईपॉड और मोबाइल जहाँ से मैं हमेशा शूट करती हूँ, ये दो रिमोट्स। आप मेरी पहले की वीडियो देख लो, उसमें मैंने सब अच्छे से दिखाया है। फिर ये मेरा विप्रो का स्मार्ट बल्ब है, और फायर टीवी स्टिक और स्मार्ट बल्ब दोनों को मैंने इस इको डॉट 4th generation से कनेक्ट किया है। तो मेरा जो स्मार्ट होम थिएटर का वीडियो है वो भी आप देख लो, उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे मेरे वॉइस कमांड से पॉज और प्ले दोनों मूवीज मेरे होते हैं, अलोंग विथ लाइट एडजस्टमेंट। आज भी मैं वो दिखाने वाली हूँ। तो अभी मैं लाइट बंद करती हूँ सारे, और आपको स्क्रीन की ब्राइटनेस दिखाती हूँ। तो अभी देखो, मैंने ये शैंडिलियर और पीछे का स्मार्ट बल्ब उतना ही चालू रखा है, तो इतनी ब्राइटनेस हमें मिल रही है फ़िलहाल। और ये रेयर स्क्रीन है, इसलिए यहाँ पे आंकड़े उल्टे दिख रहे हैं। ये बाकी सारी लाइट्स मैंने ऑफ की है। मैं आगे से आपको इसकी ब्राइटनेस दिखाती हूँ। देखो लाइट में इसकी ब्राइटनेस ऐसी है। अभी मैं सारे लाइट्स बंद करके आपको दिखाती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, ये जब मैंने शैंडिलियर ऑफ किया तब की ब्राइटनेस है। अभी बस मेरा स्मार्ट विप्रो का बल्ब इतना ही लाइट रूम में है, बाकी कोई लाइट नहीं है। तो अभी मैं मेरे एलेक्सा को वॉइस कमांड दे के ये कंट्रोल करती हूँ। एलेक्सा, स्विच ऑफ लाइट। तो ये देखो मेरा बल्ब, मैंने क्योंकि पेयर किया है अमेज़ॉन इको डॉट के साथ, तो वो मेरा वॉइस कमांड सुनती है। और ये एलेक्सा ने मेरा स्मार्ट बल्ब ऑफ कर दिया।
तो ये जो स्क्रीन है वो ग्रे रिफ्लेक्टिव सरफेस वाली है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो मेरा प्रोजेक्टर है उसका ये जो लाइट है, तो इसका व्यूइंग एंगल बस उन्होंने 20-30 डिग्रीज बताया है। तो ये जो है अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसमें ये सेंटर वाली क्लैरिटी है। जैसे जैसे मैं एंगल बदलते जाऊंगी तो आप देख सकते हो कि इसका व्यूइंग एंगल भी चेंज होता जा रहा है। यहाँ से ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहा। फिर से अगर मैं सेंटर में आऊँ तो यहाँ से क्लैरिटी अच्छी दिख रही है। अभी अगर हम उस एंगल से उसको देखते हैं स्क्रीन को, तो देखो उस बाजू से भी बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। अभी फिर से मैं फोन सेंटर में लाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा है मेरा स्क्रीन। अभी मैं आपको इसकी रियर व्यू दिखाती हूँ, अंधेरे में कैसे दिखता है। देखो फ्रेंड्स, ये है पीछे वाला भाग जो कि मैंने मेरे पहले वीडियो में प्रोजेक्टर स्क्रीन 3 करके बताया था। तो ये है इसका रियर सरफेस। इसके ऊपर आप जो अपने ऑन AK6 और वैंको V60 में प्रोजेक्शन रियर करके ऑप्शन है उसको आप पलट के यहाँ पे दिखा सकते हो। अभी मैं आपको वो सेटिंग करके दिखाती हूँ और देखो फिर कैसे ये अक्षर सीधे होते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से मेरा हाथ प्रोजेक्ट किया है तो थोड़ी सी इसकी परछाई दिखाई दे रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्क्रीन कितनी ब्राइट है। ये जो प्रोजेक्शन डायरेक्शन वाला ऑप्शन है, इसको अगर मैंने रियर ऑन डेस्क किया तो देखो फ्रेंड्स, ये उस बाजू से सीधा दिखाई दे रहा है। और इस बाजू से ये उल्टा दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार अगर आप फ्रंट ऑन सीलिंग और रियर ऑन सीलिंग करें तो भी ये ऊपर अपने छत पे अलग से दिखाई देता है। मैं इसकी भी वीडियो आने वाले इसमें करूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और ये जो रियर ऑन डेस्क वाला है, इससे क्या होगा कि अगर आपका मोबाइल का स्विच कहीं पास में होगा और आपको दूर प्रोजेक्ट करना है तो आप इसके मदद से ऐसा कर सकते हैं। ऐसी बड़ी वाली स्क्रीन आप बीचों बीच लगा के एक बाजू प्रोजेक्टर रख के उसके आगे आप सारे ऑडियंस को बिठा के दिखा सकते हो। तो ये फीचर मुझे इस प्रोजेक्टर का काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी मैं इसको नॉर्मल करती हूँ और जो अपना मेन सरफेस है उसके ऊपर लाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने एलेक्सा को कमांड देती हूँ और देखो फिर वो कैसे स्मार्टली बिहेव करेगी। इसका वीडियो मैंने इंग्लिश में डाला हुआ है और कुछ ही दिनों में इसका हिंदी वीडियो भी डालने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आपको 3D वीडियोस, 4K वीडियोस, फिर टाटा स्काई और हॉटस्टार, थोक टीवी, इन प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग वीडियोस दिखाने वाली हूँ, तो आप अंत तक बने रहें।
एलेक्सा यूट्यूब लगाओ। फायर टीवी से यूट्यूब लिया जा रहा है। तो देखो एलेक्सा हिंदी कमांड भी सुनती है। अलेक्सा वॉल्यूम 3 मैंने मेरे इको डॉट को फायर टीवी के ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है और साथ ही साथ मैंने स्मार्ट बल्ब भी कनेक्ट किया हुआ है जिसके वजह से इको डॉट सब कंट्रोल कर रही है। अभी ये मेरा एक कुकिंग का वीडियो है, अब मैं मेरे चैनल पे जाके आपको दिखाती हूँ। ये रहा मेरा चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो चला के दिखाती हूँ। चलो प्रोजेक्शन के कैलिब्रेशन मोड्स का ही वीडियो चलाती हूँ। तो ये भी आप देख लो, इसमें मैंने कैसे मैं पोर्टेबल मेरा प्रोजेक्टर सारी जगह पे लेके जाती हूँ वो दिखाया है। डायरेक्टली मैं मोड्स पे अभी जाती हूँ। एलेक्सा वॉल्यूम 8 अभी मैं आपको ये जो अपना पिक्चर मोड है इसके अलग अलग कैलिब्रेशन बताती हूँ। ये यूजर में है, ये विविड है, स्टैंडर्ड, सॉफ्ट, तो ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। मैं आपको एक कॉन्स्टेंट वॉलपेपर लेके फिर ये सेटिंग दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कि बाजू के रूम में से इस रूम में लाइट आ रही है। मैं थोड़ा और लेके जाती हूँ। काफी ब्राइट है। के देखते हैं। तो मैं भी स्टैंडर्ड और वार्म सेटिंग्स में आपको बाकी के कैलिब्रेशंस कंपेयर करके बताऊंगी। तो आज मैं आपको 7 मोड्स बताने वाली हूँ, तो आप खुद देख लो। तो फ्रेंड्स ये है मेरा वीडियो, अभी मैं कुछ और आपको प्ले करके दिखाती हूँ। एलेक्सा ओपन हॉटस्टार। गेटिंग हॉटस्टार फ्रॉम फायर टीवी। एलेक्सा ओपन डॉक्टर स्ट्रेंज ऑन हॉटस्टार। गेटिंग डॉक्टर स्ट्रेंज फ्रॉम हॉटस्टार। एलेक्सा पॉज वीडियो। टेक अ ब्रेक। तो देखो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने कमांड दिया पॉज वीडियो, तो मेरे इको डॉट ने पहले तो लाइट लगा दी, फिर थोड़ी देर का गैप लिया और फिर कहा कि टेक अ ब्रेक और फिर मेरे वीडियो को पॉज कर दिया।
तो ये जो सेटिंग है इसका वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पे डाला हुआ है, फ़िलहाल वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, वो कुछ ही दिनों में हिंदी लैंग्वेज में आने वाला है, तो आप ज़रूर से उस वीडियो को देख लेना। और अगर आपके पास इको डॉट और स्मार्ट बल्ब है और फायर टीवी है तो ये सब सेटिंग आप अपने सिनेमा हॉल में करना और हैंड्स फ्री फंक्शन करना, ये काफ़ी अमेजिंग है फ्रेंड्स। अब आपको रिमोट को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इको डॉट आपका वॉल्यूम ऊपर नीचे करता है, वीडियो पॉज करता है, रिज्यूम करता है, लाइट ऑन ऑफ करता है, और क्या चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे सब्सक्राइबर्स प्लीज़ बढ़ा देना, मैं इस वीडियो पर बहुत काउंट कर रही हूँ, एटलीस्ट एक महीने में 500 तो भी व्यूज़ आने चाहिए, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, मेरे बाकी के भी वीडियोस देखना। तो चलो फ्रेंड्स मैं आगे चलती हूँ, अलेक्सा रिज्यूम वीडियो। वेलकम बैक स्नेहा। तो देखो फ्रेंड्स अभी मैं पहले हाथ से इसको पॉज करती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने रिज्यूम वीडियो बोला अलेक्सा ने पहले तो पॉज लिया, फिर मेरा लाइट बल्ब ऑफ कर दिया, फिर बोला वेलकम बैक स्नेहल, और फिर मेरा वीडियो चालू कर दिया। तो फ्रेंड्स ये खासियत है अलेक्सा डिवाइसेस यूज़ करने की, जैसे इको डॉट, स्मार्ट बल्ब, फायर टीवी। तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ इस सेटिंग से, आप भी आपके प्रोजेक्टर पे ये सेटिंग कर लेना और आपके फ्रेंड्स को दिखाना। तो मैं अभी आपको एक दूसरा मूवी क्लिप दिखाती हूँ। अलेक्सा रिज्यूम मूवी। बट फ्रेंड्स इस सेटिंग में आपको फ़ैन बंद करना पड़ेगा, ये सेटिंग आपको अगर एसी रूम है तो उसमें बहुत अच्छे से चल जाएगी, क्योंकि अगर फ़ैन ऑन होगा तो ये पर्दा हमेशा हिलता रहेगा और इमेज क्लियर नहीं दिखेगी, बट काफ़ी अच्छी इमेज है। और सेंटर प्लेसमेंट में रखना आपके ऑडियंस सो दैट सब अप्रिशिएट करें इमेज की क्वालिटी को, और अगर नहीं ऐसा जम रहा तो बोन वाइट स्क्रीन तो बेस्ट है, जो मैं पहले वाले वीडियोस में यूज़ करती थी। कलर्स भी काफी वाइब्रेंट दिखाई देते हैं फ्रेंड्स। अलेक्सा पॉज मूवी। Okay, take a break. Alexa थोक टीवी को भी पॉज कर सकती है फ्रेंड्स। Alexa रिज्यूम मूवी। वेलकम। जीवराशि लेदु कानी मीकेम तेलेदु मा ग्रहम असलु पे पास्तु इक्कड प्राणवायु उंदी जीवराशि कूडा उंदी कानी मरुपु मीद मारुतु और उसकी वजह है सुगंधा। सुगंधा एक आम खुश है जिसकी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है, वासुम के लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब तक उसका सामना ही फिलहाल के एक शक्तिशाली राज्य ने ही किया है, और सदियों से इस जंग में हर बार ही सुगंधा की सेना को मुंह जवाब देता आया है, पर एक दिन सुडान का राजा एक रेती के तूफान की चपेट में आ गया और सब कुछ बदल गया।
ये मूर्खता तुम्हें महंगी पड़ेगी सावधान। उठो। हम इस अस्तित्व के भक्त हैं और उन्होंने तुम्हें इस शस्त्र का उपयोग करने के लिए चुना है। हमारे आदेश पर चलोगे तो मासूम पर राज करोगे। कोई तुम्हारा विरोध नहीं करेगा और ना ही रास्ते की रुकावट करेगा। देखो फ्रेंड्स, डार्क भी काफी डार्क दिखाई देता है। एलेक्सा, पॉज वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली ये कंक्लूड किया कि अगर आपकी ऑडियंस बड़ी है तो आप प्लीज वाइट वॉल का यूज़ करें, क्योंकि वाइट सरफेस जो होता है वो रोशनी को सारी तरफ रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए उसका व्यूइंग एंगल ऑलमोस्ट 180 डिग्री होता है। और अगर आपकी ऑडियंस लिमिटेड है या फिर अगर आप कुछ चुनिंदा लोग ही मूवी देखने वाले हो तो ही आप ग्रे रिफ्लेक्टिव स्क्रीन को चूज़ करो, क्योंकि अगर आप काफ़ी दूर बैठो तो आपको स्क्रीन का मज़ा नहीं आता है। और अगर आप सेंटर में बैठो, जैसे हॉरिजॉन्टल अगर आपका व्यूइंग एंगल 30 डिग्री है और वर्टिकल 20-25 डिग्री है तो ही आप इस स्क्रीन के बारे में सोचना, नहीं तो ये सबको इतना अच्छा नहीं दिखाई देता। और रही बात कैनवास की, तो कैनवास इतना कुछ अलग नहीं है। अगर आपके पास डार्क कलर का वॉल है या फिर आपके पास प्रोजेक्ट करने के लिए अच्छा सरफेस नहीं है तो ही आप वाइट कैनवास के बारे में सोचना, वो काफ़ी इकोनॉमिकल ऑप्शन है प्रोजेक्टर स्क्रीन के लिए। या फिर अगर आपका एक डेडिकेटेड रूम है तो मैं तो कहूँगी कि आप बोन वाइट से कलर करवाना या फिर थोड़ा सा ग्रेश शेड से कलर करवाना, या फिर अमेज़ॉन पे ये बहुत अच्छा स्क्रीन पेंट मिलता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें बस थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करना है आपको, 30 रुपीज़ का जो आता है बॉटल ऑयल पेंट का, उससे भी काफ़ी अच्छा सरफेस आपका तैयार हो जाएगा। और ये स्क्रीन तो अच्छा है, वैसे पोर्टेबल है। अगर आपको टेरेस पे जाना है तो ऐसी आप रस्सी लगा के ये दिखा सकते हो, या फिर आपके बालकनी में आपको लगाना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि आप हर जगह पे तो पेंट नहीं कर सकते। तो ये ऐसे पोर्टेबल स्क्रीन भी आप बफर की तरह रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा कंक्लूजन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और वैसे भी मैं मेरे चैनल पे काफ़ी इकोनॉमिकल बजट वाले प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ प्रोजेक्टर के बारे में। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं मेरे होम थिएटर के कनेक्शंस के बारे में या फिर स्क्रीन के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।